जय श्री राम मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस धरती पर बड़े बड़े जीवों का वास हुआ करता था। डायनासोर से लेकर मैमथ तक इस धरा पर विचरण करते थे। अब आज वो जीव तो इस धरा पर नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं, पर हम सभी ये सोचते हैं कि यदि आज वो होते तो क्या होता। अब इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गॉडज़िला और किंग कॉन्ग जैसे फिल्मों को निर्मित किया गया है, ताकि मनुष्य की कल्पना को साकार रूप में प्रस्तुत किया जा सके। और इन फिल्मों की सफलता बताती है कि हमें विशालकाय जीवों को देखने का रोमांच देने में ये सफल रहे हैं। मित्रों, गॉडज़िला और किंग कॉन्ग ये दो अलग अलग फिल्म श्रृंखलाएं, लेकिन इन्हें मिलाकर एक नया संसार निर्मित करने का प्रयास किया गया, जिसे मॉन्स्टरवर्स नाम दिया गया। इसके तहत अभी तक 4 फिल्में आ चुकी हैं और गॉडज़िला एक्स कॉन्ग नाम की 5वीं फिल्म को रिलीज कर दिया गया है। यदि आपने सीरीज की पिछली फिल्में नहीं देखी हैं, तो शायद आपको इसकी कहानी समझने में थोड़ी समस्या आए, लेकिन फिर भी आप चाहें तो बिना पिछली फिल्में देखे भी इसे देखने के लिए जा सकते हैं। बाकी उचित तो यही रहेगा कि आप पिछली फिल्में देख कर जाएं। वैसे गॉडज़िला एक्स कॉन्ग का यदि ट्रेलर आपने देखा होगा तो आप जानते ही होंगे कि इसमें क्या दिखाया जाएगा। इसमें कॉन्ग और गॉडज़िला मिलकर किसी संकट का सामना करने वाले हैं। मित्रों, गॉडज़िला और कॉन्ग के बारे में आप जानते ही हो, वो क्या है, कैसे लड़ते हैं, कैसे काम करते हैं। लेकिन इस फिल्म में जिया नाम की एक लड़की का पात्र भी दिखाया गया है, जो एक प्राचीन सभ्यता ईवी की आखिरी बची हुई सदस्य है। ये जिया का पात्र और इसकी सभ्यता को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और ये बात फिल्म को और इंटरेस्टिंग बनाती है। ईवी सभ्यता के लोगों को योगिक क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। वो अपने मन की शक्तियों से ही बड़े बड़े जीवों को नियंत्रित कर लिया करते थे। मित्रों, ये फिल्म अच्छी है, फाइट सीक्वेंसेस अच्छे हैं, विजुअली भी फिल्म अच्छी लगती है। हाँ, गॉडज़िला और कॉन्ग की यदि पिछली फिल्में आपने देखी हैं और उनसे तुलना करेंगे तो शायद आपको इसमें कुछ कमियां दिख जाएं, पर फिर भी ये आपका मनोरंजन अवश्य करेगी। मैं इस फिल्म को 10 में से 7 सितारे देना चाहूंगा। यदि आपने इसे देख लिया है तो मॉन्स्टरवर्स की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय अखंड भारत, जय मां भारती।